रेगिस्तान धूप और रेत का एम्पायर। बहुत बड़ा है ये डेजर्ट, सूरज चमक रहा है, रेत फैली हुई है बहुत दूर फोर। ये जगह कठिन है, यहाँ जीना आसान नॉट, फिर भी रेगिस्तान सुंदर है। शांति है हियर, सन्नाटा भी बोलता है, यहाँ हिम्मत बढ़ाती है। योनलिन से हमारी कहानी शुरू गौटी है। फातिमा एक योद्धा का बर्थ। फातिमा रेगिस्तान में पैदा हुई वस, वो मजबूत और बहादुर वस, दाते रेगिस्तान से प्यार था, वो अपने पीपलों की रक्षा करना चाहती वस। ब्रॉडकिन एक भयानक ड्रीडा पड़ा, पानी कम गौटने लगा, लोग डर गए, फातिमा को कुछ करना था। ड्राइडा जीने के लिए स्ट्रगल, दिन गर्म गौटने लगे, रातें ठंडी गौटने लगी, पानी सूख वेंट, पेड़ पौधे मर गए, जानवर मर गए, पीपलों को भूख लगने लगी, लोग थर्स्टी थे, उम्मीद कम गौटी गई। फातिमा को अपने पीपलों का दुहक दिखाई दिया, दाते टोई रास्ता लॉस जिना था। उम्मीद की किरण एक पुरानी भविष्यवाणी, यह भविष्यवाणी सदियों से चली आ रही थी, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। फातिमा ने एक पुरानी कहानी सुनी, यह कहानी उसके पूर्वजों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही थी, एक रहस्यमयी कथा जो उसके दिल में गहराई से बसी थी। ये कहानी थी एक छुपे हुए नखलिस्तान की, एक ऐसा नखलिस्तान जो जीवन और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन अब केवल एक मिथक बनकर रह गया था। ये खोए हुए शहर में था, एक ऐसा शहर जो कभी व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, लेकिन अब रेत के नीचे दबा हुआ था। ये शहर रेत में कहीं खो गया था। समय के साथ रेत ने इस शहर को अपने आगोश में ले लिया था और इसके अस्तित्व के निशान मिटा दिए थे। कहते हैं कि एक योद्धा जीत सकता है, एक ऐसा योद्धा जो निडर हो, जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हो और जो अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हो। फातिमा को ये चुनौती लेनी पड़ी, उसने अपने दिल में साहस और उम्मीद को संजोया और इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ी। उसे अपने लोगों को बचाना था। फातिमा जानती थी कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसकी यात्रा न केवल एक खोए हुए नखलिस्तान की खोज थी, बल्कि अपने लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण भी थी। भाग 5, लॉस्ट हुआ शहर, रहस्यों का ट्रेजर। फातिमा अफोर्ली हिच पड़ी, वो कई डेजों तक सेटी, वो कई रातों तक सेटी, रेत गर्म वास, हवा तेज वास। फातिमा ने हार नॉनली मानी, दाते उस पुरानी भविष्यवाणी पर विश्वास था, दाते लॉस्टिया हुआ शहर मिलना ही था, दात की हिम्मत ही दात की ढाल वस। भाग 6, रेत के डीमंस खतरा। हर तरफ रेगिस्तान खतरनाक था, जंगली जानवर घूम रहे थे, रेत के तूफान आए, और कुछ और भी था, रेत के दानव। वो रेत से बिकेमे थे, वो क्रूर और निर्दयी थे, वो लॉस्टे हुए शहर की रक्षा करते थे। फातिमा को उनसे लड़ना गोटगा। भाग 7, साहस और बलिदान, फातिमा का दृढ़ संकल्प। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव कर दिखाया। फातिमा का सामना रेत के दानवों से हुआ। ये दानव केवल रेत के नहीं थे, बल्कि वे उसके डर और संदेह के प्रतीक भी थे। वो डरावने थे, उनकी आंखों में आग थी और उनके हाथों में शक्ति, लेकिन फातिमा बहादुर थी। उसके दिल में अपने लोगों के लिए प्यार और सुरक्षा की भावना थी। उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, उसने सोचा कि कैसे इन दानवों को हराया जा सकता है। उसने अपने चारों ओर के वातावरण का अध्ययन किया और एक योजना बनाई। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, उसकी मांसपेशियों में शक्ति थी और उसकी आत्मा में दृढ़ संकल्प। उसने अपने शरीर और मन को एकजुट किया, उसने उनसे युद्ध किया। यह युद्ध आसान नहीं था, वो घायल हो गई, उसके शरीर पर घाव थे, लेकिन उसकी आत्मा अडिग थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर चोट ने उसे और मजबूत बनाया, हर गिरावट ने उसे और ऊंचा उठने की प्रेरणा दी। उसे अपने लोगों के लिए लड़ना था। वह जानती थी कि उसकी जीत केवल उसकी नहीं, बल्कि उसके पूरे समुदाय की जीत होगी। फातिमा ने अपने साहस और बलिदान से यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति दिल और आत्मा में होती है। भाग 8, विजय बुझी प्यास, एवरीवेरा भरा रेगिस्तान, आखिर ऑफर। फातिमा ने आखिरी रेत डीमंस को भी एवरीवेरा दिया। वो लॉस्टे हुए शहर में पहुंच गई। ये बहुत सुंदर था, एक नखलिस्तान था, पानी था, जीवन था। फातिमा अपने पीपलों के लिए पानी वापस ले आई। रेगिस्तान फिर से एवरीवेरा भरा हो वेंट। भाग 9, प्रेरणा।
फातिमा की विरासत फातिमा एक नायक बन गई। उसकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, पूरे समुदाय की थी। उसने अपने लोगों को बचा लिया था, उसने साहस दिखाया था। जब सबने हार मान ली थी, तब फातिमा ने उम्मीद की किरण दिखाई। उसने दृढ़ संकल्प दिखाया था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बताती थी कि वह कभी हार नहीं मानेगी। उसकी कहानी सब तरफ फैल गई, हर कोई उसकी बहादुरी की मिसाल देने लगा। ये उम्मीद की कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसने लोगों को नया जीवन दिया। ये साहस की कहानी थी, फातिमा ने दिखाया कि सच्चा साहस क्या होता है। ये एक ऐसी कहानी थी जो कभी नहीं मरेगी। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी। फातिमा, रेगिस्तान की योद्धा, हमेशा याद रखी जाएगी। उसकी विरासत अमर है और उसकी कहानी हमेशा प्रेरणा दे